डी फार्मा का एग्जाम मैंने हिंदी में लिख दिया, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या डी फार्मा का एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं? क्या डी फार्मा हम लोग हिंदी में कर सकते हैं? अगर मैं फाइनल ईयर में फेल हो जाता हूँ, क्या मुझे पूरी फीस पे करनी पड़ेगी कॉलेज को? ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट स्टूडेंट के मन में भरे पड़े हैं। अक्सर यही बातें पूछते हैं कि सर अगर मैं फेल हो गया फाइनल ईयर में तो क्या मुझे पूरी फीस फिर से उनको पे करनी पड़ेगी कॉलेज में? फिर से वो लाखों रुपये, फिर से वो हजारों रुपये देने पड़ेंगे? तो इसके जो आंसर है वो आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपके सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं मिस्टर प्रियांशु रॉय लेकर आया हूं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके सारे डाउट आंसर क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर करता हूं आपका, क्या हम लोग डी फार्मा हिंदी में कर सकते हैं या नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो परमिशन देती है कि हम लोग डी फार्मा हिंदी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपनी उत्तर प्रदेश में BTEUP एक यूनिवर्सिटी है, वो ही अलाउ करती है कि हाँ आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो डी फार्मा का। लेकिन अदर स्टेट में या अदर यूनिवर्सिटीज़ है वो अलाउ नहीं करती। तो हम कौन सी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है पहले हमें वो पता करना है, उसी के बाद हम हिंदी में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। BTEUP हिंदी में अलाउ करती है, लेकिन कंपेरिजन दैन इंग्लिश के वो नंबर कम देती है, है ना? अगर आप इंग्लिश में थ्योरी एग्जाम लिख रहे हो और एक बच्चा हिंदी में एग्जाम लिख रहा है, तो जो इंग्लिश में लिख रहा है उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, है ना? तो ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश में लिखता है उसको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, जो हिंदी में लिखता है उसको इंग्लिश के कंपैरिजन में कम नंबर दिए जाते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि हम डी फार्मा हिंदी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सिटी वैरी करता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग कॉलेज में, जो अगर फाइनल ईयर में आके हम लोग फेल हो जाते हैं, क्या हमें पूरी फीस फिर से पे करनी पड़ेगी, वो लाखों हजार रुपये फिर से देने पड़ेंगे? तो इसका आंसर बेटा ये है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कौन कॉलेज फीस ले रहा है या नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी कोई भी प्रेशर नहीं करती कि आप स्टूडेंट से फीस लो या नहीं लो, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका कॉलेज होगा उसके हिसाब से आपसे फीस ली जाएगी। कोई कोई कॉलेज होता है वो फीस नहीं लेते, और कोई कोई कॉलेज होते हैं जो आपसे पूरी फीस ली जाती है या फिर आधी फीस ली जाती है। वो डिटेल आपको क्लियर करनी पड़ेगी सर से बात कर, HOD सर से बात कर कि सर क्या मेरी फ़ीस माफ़ हो सकती है, क्या मैं फिर से एडमिशन्स ले सकता हूँ, मेरे बैक आ चुकी है, क्या मैं फिर से पढ़ाई आगे चालू रख सकता हूँ, तो क्या मेरी फ़ीस लगेगी थी नहीं। तो ये सारे आंसर आपको कॉलेज में जाके पता लग जाएंगे। तो कॉलेज वेरी करता है, ठीक है, फ़ीस लेनी है या नहीं लेनी। यूनिवर्सिटी कोई भी प्रेशर नहीं करती कि आप स्टूडेंट से कोई भी फ़ीस लो। यूनिवर्सिटी को सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस चाहिए और एग्ज़ाम पेपर फ़ीस चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना? चलिए, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो तो। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।